हाय दोस्तों, हम लोग लाइव आ चुके हैं। आज के इस क्लास में आप सब लोग का स्वागत है। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर के बारे में, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे जेंडर जो हमारा टॉपिक है, यानी लिंग जो हमारा टॉपिक है, इसको आज हम लोग बहुत ही अच्छे से जानेंगे। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि कौन सा जो है ना चीज, कौन सा शब्द मेल जेंडर है, कौन सा फीमेल है, क्या इसमें बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन होता है ना। तो मतलब इस चीज को हम लोग आज दूर करेंगे। आज हम लोग प्रॉपर जेंडर को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। जेंडर को हम लोग प्रॉपर अच्छे से हम लोग पढ़ लेंगे और यहाँ पे अच्छे से सब चीजों को बताएंगे। जेंडर के कितने प्रकार होते हैं, सभी प्रकार के बारे में अच्छे से आपको बताएंगे। देखिए, हिंदी व्याकरण के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इसमें काफी सारा चीज अलग है। हिंदी व्याकरण से यहाँ पे कंपेयर मत करना इंग्लिश ग्रामर को, नहीं तो गलत हो जाएगा आप लोग का। बहुत सारा आपको जेंडर में ना बहुत ज्यादा ही गलत होगा, इसलिए जो है आप प्लीज इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखें, ठीक है, और अच्छे से इसकी तैयारी करें। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करें। देखिए, अपना जो क्लास है ग्रामर की क्लास है, थोड़ी सी और ज्यादा स्टूडेंट होना चाहिए तो ऑब्वियसली, तो थोड़ा सा एक बार जल्दी से शेयर कर लीजिए, तो और थोड़ा सा शेयर कर लीजिए ताकि और सारे लोग आ जाएंगे और हम क्लास को जस्ट स्टार्ट कर देंगे। 1 मिनट का हम समय देते हैं, 1 मिनट में आप लोग शेयर कर लीजिए और जल्दी से आ जाइए फिर से, ठीक है। क्लास हम लोग जारी रखेंगे, ठीक है। आइए जल्दी से शेयर कर लीजिए। ओके, तो चलिए देखिए, इंग्लिश ग्रामर में अगर बात करें, हालांकि क्लास 10th के भी हैं, क्लास 12th के भी हैं, कोई भी क्लास के देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशली हम क्लास 12th पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस किए हुए हैं। देखिए इसमें क्या है, अपने लोग का जेंडर हम लोग का टॉपिक है, ठीक है। आइए शुरू से शुरुआत करते हैं, अच्छे से देखेंगे। देखिए, नाउन और प्रोनाउन के जेंडर यानी लिंग होते हैं। किसका? नाउन और प्रोनाउन के लिंग होते हैं। जैसे कोई भी एक वस्तु है, ठीक है, मान लेते हैं राम अपने पास नाम है। राम क्या है? राम अपने पास क्या है? ये अपने पास नाउन है, ठीक है, इसको कहते हैं नाउन, ठीक है। तो राम जो है यहाँ पे कौन सा जेंडर है, ठीक है, ये कौन सा जेंडर है, ये अपने पास चीज है। तो ये अपने पास मेल जेंडर है, मेल यानी मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं सब कुछ अच्छे से, ठीक है। यानी हम लोग क्या करते हैं, और उसके बाद देखो, अगर ही है ठीक है, ही से क्या बोध होता है, पुरुष का बोध होता है ना, तो ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, मेल जेंडर हो जाएगा ना, क्या? या फिर ऐसे बात करोगे, सी है तो सी अपने पास क्या है, ही और सी अपने पास प्रोनाउन है, और इसका जेंडर अपने पास क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा ना, ठीक है, फीमेल हो जाएगा ना। तो बस यही चीज है, मतलब कुल मिला के नाउन और प्रोनाउन का हम लोग जेंडर देखेंगे, नाउन और प्रोनाउन के जेंडर होते हैं, ठीक है, इसी चीज को आज हम लोग को देखना है। देखो अब आइए बात करते हैं जेंडर ऑफ द नाउन के बारे में, ठीक है। नाउन के कितने जेंडर होते हैं, जो कि मेनली आपके एग्जाम में यही आपको पढ़ना है, ठीक है। क्लास 12 के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अब आपका टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक है। क्लास 12 के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अब आपका टॉपिक स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे बात होती है कि इंग्लिश में जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में जेंडर जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, ये आपको मेन याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट यही लाइन है, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, इंग्लिश में जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, इंग्लिश में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। बहुत लोग ये कंफ्यूज होंगे कि सर अभी तो ये सेंटर एग्जाम वगैरह चल रहा है, आप ये करवा रहे हैं। देखो, सेंटर एग्जाम वगैरह का कोई महत्व तो नहीं है, मेन आपका बोर्ड एग्जाम ही है, ठीक है, मेन आपका बोर्ड एग्जाम ही है, तो प्लीज उसके लिए तैयारी करें, ठीक है। इंग्लिश में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में क्या इतने जेंडर होते हैं, कोई भी आपसे पूछेगा तो अपने पास कितना होता है जेंडर, अपने पास 4, ठीक है, इंग्लिश में 4, और हिंदी में वही होते हैं ना, 2, हिंदी में 2 होते हैं। उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, कंपेयर भी करेंगे दोनों को। तो अभी देखिए, इंग्लिश में जो जेंडर होते हैं 4 प्रकार के, सबसे पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर, जिसको आप लोग मेल जेंडर भी कहते हैं, ठीक है, मेल जेंडर भी कहते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में हम लोग मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फीमेल जेंडर को यहाँ पे हम लोग कहते हैं फेमिनिन जेंडर, ठीक है, यानी स्त्रीलिंग, क्लियर, ठीक। चलिए उसके बाद देखिए, अपने पास क्या है, कॉमन जेंडर। तीसरा अपने पास जेंडर क्या है, कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग,
ठीक है, क्या होता है उभय लिंग, उसके बाद क्या है न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुल मिला के चार प्रकार होते हैं, कुल मिला के चार प्रकार होते हैं किसका, जेंडर का, याद रखेंगे। कोई भी आपसे पूछेगा चार प्रकार जेंडर के होते हैं कौन कौन से, बताओ, बता सकते हैं, बोलिए। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल चार प्रकार के ही होते हैं। चलो ठीक है, चार प्रकार के जेंडर होते हैं। अब चलिए, अब हम लोग एक एक करके सभी जेंडर्स के बारे में, इस चारों के बारे में जानते हैं। मे भी हो सकता है आप लोग इसके बारे में और फेमिनिन के बारे में, दोनों के बारे में जानते हैं, मेल जेंडर फीमेल जेंडर, इस दोनों के बारे में आप लोग जानते होंगे। थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूजन कॉमन और न्यूट्रल इस दो जेंडर में ज्यादा होगी, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से आज क्लियर करेंगे। मेनली यही में आप लोग इंग्लिश ग्रामर में गलती करते हैं, क्योंकि आप सोच के रखते हैं हिंदी व्याकरण वाला, और हिंदी व्याकरण वाला अगर सोच के रखोगे, क्लियर बात है वो आपको इसमें गलत होगा ही होगा, श्योरली होगा, ठीक है। तो प्लीज हिंदी व्याकरण को इंग्लिश ग्रामर पढ़ते वक्त भूल जाओ, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर में यहाँ पे अब ध्यान देते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है जेंडर के चार प्रकार होते हैं, उसमें सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला अपने पास होता है मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर। अब हम लोग चलिए इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्या होती है ये, ठीक। चलिए सबसे पहला देखिए हमारे पास क्या है, मैस्कुलिन जेंडर कहते किसको है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। देखिए मैस्कुलिन जेंडर से नर जाति का बोध होता है, क्या होता है, इससे पुरुष जाति का बोध होता है, नर जाति का बोध होता है, मेल का बोध होता है, ठीक है। यानी द मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स ए मेल, क्या डिनोट्स करता है, ये मेल को डिनोट्स करता है, किसको, मेल को यानी पुरुष को, ठीक है। जैसे यहां पे देखिए राम हो गया, हीरो हो गया, डॉग हो गया, मैन हो गया, फादर हो गया, बुल हो गया, प्रिंस हो गया, एक्टर हो गया, टाइगर हो गया, हॉर्स हो गया, बॉय हो गया, और कोई भी और बहुत सारा चीज हो सकता है, ठीक है, ईटीसी। तो यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर किसको कहते हैं, जिससे पुरुष जाति का बोध हो, ठीक है, जिससे क्या हो, मेल जेंडर का बोध हो, मेल का बोध हो, उसे कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हैं अभी अच्छे से और देखेंगे। अब देखिए मेल जेंडर तो आपको मैस्कुलिन जेंडर यहां पे समझ में आ गया, ठीक है। अब चलिए फेमिनिन जेंडर यानी फीमेल जेंडर को हम लोग समझते हैं, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। आइए देखिए यहां पे क्या है, फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर से मादा जाति का बोध होता है, यानी स्त्री जाति का बोध होता है, किसका, मादा जाति का यानी फीमेल का बोध होता है, ठीक है। द फेमिनिन जेंडर डिनोट्स ए फीमेल, ठीक है, क्या डिनोट्स किया जाता है, फीमेल को यानी स्त्री जाति को, ठीक है, स्त्री जाति का यहाँ पे बोध होता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं फेमिनिन जेंडर। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए सीता, ठीक है, तो सीता यहाँ पे क्या हो गया, फेमिनिन जेंडर, वोमेन, मदर, काउ, सिस्टर एंड और भी बहुत सारा चीज, ठीक है, ईटीसी लगा लो, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, फेमिनिन जेंडर में। यहां तक तो क्लियर होगा, कोई किसी को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, मजे में एकदम आ रहे होगे, कह रहे होगे कि ये सब क्या है, ये सब तो बच्चों वाली चीज है, हम लोग बचपन में ही पढ़ चुके होंगे। लेकिन अब चलिए अब यहाँ पे आगे जो स्टार्ट होती है वो थोड़ा सा है, जो कि आप लोग को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देके इसको पढ़ना है, ठीक है, कॉमन जेंडर, ठीक है, कॉमन जेंडर, ठीक है, कॉमन जेंडर। अब यहाँ पे देखिए कॉमन जेंडर कहते हैं किसको है, नाम से ही पता है कॉमन, यानी क्या होगा, दो में भी हो सकता है, ठीक है, कॉमन होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कॉमन जेंडर, तो यहाँ पे देखिए कॉमन जेंडर से यह बोध होता है कि नाउन या तो नर जाति का है या मादा जाति का, ठीक है, मतलब कॉमन जेंडर से यह बोध नहीं होता है कि क्लियर ये कौन सा जाति का है, हो सकता है ये नर का भी होगा या फिर मादा का होगा, कोई का भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कहेंगे कॉमन जेंडर। ऐसे कौन से शब्द आएंगे भैया, ये बात अगर सवाल है तो आइए देखते हैं, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए द कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज आइदर ए मेल, या तो मेल होगा और ए फीमेल, ठीक है, या तो वो फीमेल होगा, ठीक है, आइदर आइदर ए मेल और ए फीमेल, ठीक है, या तो वो मेल होगा या तो फीमेल होगा, उसको कहेंगे कॉमन जेंडर। ठीक है, क्लियर। तो देखिए उसको कहते हैं कॉमन जेंडर। तो मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और कॉमन जेंडर, इसको तो आप लोग जाने हैं। थोड़ा सा ये इसके और एग्जांपल्स को देखते हैं, ठीक है।
इसके और एग्जांपल्स को थोड़ा सा हम लोग और अच्छे से देखते हैं। देखिए जैसे टीचर कहने से शिक्षक या शिक्षिका का बोध होता है, ठीक है, टीचर आप बोलो, ठीक है, टीचर बोलो तो आपको ये नहीं पता चल रहा है ना कि वो मेल होंगे या फीमेल होंगे, ठीक है, शिक्षक होंगे या शिक्षिका होंगे, तो ये बोध नहीं होता है। तो टीचर को हम रखेंगे कॉमन जेंडर में, ठीक है, कॉमन जेंडर में। तो ये सब गलती मत करना कि सोचने लगना कि शिक्षक शिक्षक शिक्षक, चलो मेल में डाल देते हैं, चलो फीमेल में डाल देते हैं, जितने भी लड़के लोग एग्जाम देंगे वो मार देंगे मेल में, और जितने लोग लड़की लोग देंगे वो फीमेल में, फेमिनिन में मार देंगे, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखना कॉमन जेंडर होगा, क्योंकि टीचर से कहने से आपको बोध नहीं हो रहा है ना कि आप एक्चुअली किसको बोल रहे हो। ठीक है, तो ये शब्द जो चला जाएगा ये चला जाएगा कॉमन जेंडर में। ठीक है, उसके बाद जैसे फ्रेंड बोलो तो इससे ये नहीं पता चलता है कि बॉयफ्रेंड का बात किया जा रहा है कि गर्लफ्रेंड का। ठीक है, या तो लड़का दोस्त है या तो लड़की दोस्त है, ये चीज क्लियर नहीं होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो फ्रेंड कहने से यहां पे ये चीज क्लियर नहीं हो रहा है कि आखिर किसके बारे में बात किया जा रहा है, मैस्कुलिन जेंडर के बारे में या फिर फेमिनिन जेंडर के बारे में, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अपना फ्रेंड भी जो हो जाएगा, ये फ्रेंड भी चला जाएगा कॉमन नाउन कॉमन जेंडर में। ठीक है, उसके बाद देखिए अतः टीचर और जो है टीचर और फ्रेंड जो है कॉमन जेंडर का बोध होता है इससे। ठीक है, क्लियर है, तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत कहीं से नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अदर एग्जांपल्स, कुछ और अगर एग्जांपल आपको देखना है अपने पास कॉमन जेंडर का, तो आइए देखते हैं। ठीक है, कॉमन जेंडर का थोड़ा सा और एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं ताकि और अच्छा से आपको क्लियर रहे, इसमें थोड़ा सा भी डाउट नहीं होनी चाहिए। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कॉमन और न्यूट्रल, दो जेंडर में ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो देखो जेंडर जेंडर वाला टॉपिक अब क्लियर कर ही लो, क्योंकि जानते हो सबसे ज्यादा प्रश्न रहती है इस सबसे टॉपिक से। ठीक है, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब यहां पे हम लोग देखते हैं क्या चीज, कुछ एग्जांपल्स कॉमन जेंडर के। जैसे चाइल्ड अगर बोले तो इससे ये बोध होता है कि गर्ल चाइल्ड है या फिर बॉय चाइल्ड है। ठीक है, बोध नहीं हो रहा है तो ये चला जाएगा कॉमन में। डॉक्टर, डॉक्टर कोई भी हो सकती है, मतलब मेल और फीमेल कुछ भी हो सकती है, तो इसको हम लोग जान लेंगे कॉमन में। थिप, थिप चोर या चोरनी, दोनों में से कोई हो सकता है, कोई चोर होगा कोई चोरनी हो सकता है, किसी का भी बोध होगा। ठीक है, तो चोर भी को भी हम लोग डालेंगे कॉमन जेंडर में। पेरेंट्स, तो यहाँ पे पेरेंट्स में क्या होता है, माता और पिता दोनों आते हैं। ठीक है, इसको भी कॉमन जेंडर में डालेंगे। ठीक है, कजन, कजन में क्या होता है, चचेरा फुफेरा ममेरा, भाई या बहन। ठीक है, कोई भी हो सकता है, तो भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, कजन उसको कहते हैं, इसको भी डालेंगे कॉमन जेंडर में। ऐसे ही पर्सन, औरत या मादा कोई भी हो सकती है। ठीक है, स्टूडेंट छात्र या छात्रा, इन्फेंट शिशु या मादा, रिलेटिव संबंधी संबंधी जो होता है, स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है। बुक सेलर, पुस्तक जो है, पुस्तक विक्रेता, स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है, इसलिए बुक सेलर भी कहाँ चला जाएगा, वो कॉमन जेंडर में चला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बेबी या जो इसका बोध होता है, बेबी कॉमन जेंडर में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे बच्चा या बच्ची कोई भी बोध हो सकता है। ठीक है, सर्वेंट, सर्वेंट कहने से वहां पे ये नहीं पता चल रहा है कि वो मेल है या फीमेल है, नौकर है या नौकरानी है, तो इसलिए सर्वेंट में कहाँ चला जाएगा, सिंपल सी बात है, सर्वेंट में चला जाएगा कॉमन जेंडर में। यहाँ पे सब लोग गलती करते हैं, सिंपल सी बात है, मार देते हैं मैस्कुलिन जेंडर यानी मेल जेंडर। ठीक है, तो वहां पे गलत हो जाएगा। ठीक है, वहां पे गलत हो जाएगा आप लोग का, तो ये थोड़ा सा ख्याल रखिएगा और अच्छे से करते चलिए, यहाँ पे बस समझते चलिए। अभी हम आपको और बताते हैं, जैसे राइटर, यहां से इससे बोध नहीं होता है कि ये लेखक जो है पुरुष है या स्त्री है। सिंगर, गायक या गायिका। कलर, किरानी जो है नर या मादा है। ऐसे ही पक्षी, बर्ड में भी इसी प्रकार से होगा। डियर, हिरन नर है या मादा है। सिप यानी भेड़, नर है या मादा। ड्राइवर जो है, चालक जो है वो क्या है, स्त्री या पुरुष, तो ड्राइवर भी अपना चला जाएगा कॉमन जेंडर में। इसी प्रकार से फूल, मूर्ख जो होगा वो नर या मादा कोई भी हो सकता है, तो सिंपल सी बात है वो फूल भी चला जाएगा कॉमन जेंडर में। प्रोफेसर, तो यहाँ पे ये भी चला जाएगा कॉमन जेंडर में। इसी प्रकार से नॉवलिस्ट यानी उपन्यासकार जो है, ये स्त्री है या पुरुष है, ये भी क्लियर नहीं होता है, इसलिए ये भी नॉवलिस्ट भी चला जाएगा कहाँ पे, कॉमन जेंडर में। इसी प्रकार से और सारा चीज दिया हुआ है, फॉरनर, गेस्ट। ठीक है, तो वो सब चला जाएगा कॉमन जेंडर में। अब मेन बात आती है यहाँ पे न्यूट्रल जेंडर, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाली चीज है। ठीक है, अच्छे से थोड़ा देखिए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाली चीजें हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से देखिए। हम लोग जेंडर के चार प्रकार को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, जेंडर के चार प्रकार को हम लोग देख रहे हैं, तो देखिए अब आगे हम लोग बात करते हैं न्यूट्रल जेंडर अपना क्या होता है। देखिए न्यूट्रल जेंडर जो होता है, न्यूट्रल जेंडर से यह बोध होता है कि नाउन ना तो नर जाति का है ना मादा जाति का। देखिए इसमें क्या बोध हो रहा है, देखो मैस्कुलिन जेंडर में मेल का बोध हो रहा था, फेमिनिन जेंडर में फीमेल का बोध हो रहा था, उसी प्रकार से कॉमन में क्या हो रहा था, उससे ये लग रहा था कि या तो वो मेल का होगा या फीमेल का होगा, लेकिन कोई एक का तो जरूर होगा।
ठीक है, यहां तो ये पता चल रहा है ठीक। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं न्यूट्रल जेंडर, यहां पे ना ही वो मेल होगा ना ही वो फीमेल होगा ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या होगा, देखिए द न्यूट्रल जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज नाइदर ए मेल नॉर ए फीमेल, ना ही वो मेल होगा ना ही वो फीमेल होगा ठीक है, उसको कहेंगे न्यूट्रल जेंडर। जैसे एग्जाम्पल से चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं, और थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं तब आपका ज्यादा क्लियर होगा ठीक है। देखिए जैसे उड लकड़ी जो है, लकड़ी यहाँ पे इससे ये नहीं पता चल रहा है लकड़ी जो है क्या है ठीक है, मेल है फीमेल है क्या है, ये सब चीज क्लियर नहीं है हम लोग का। तो यहाँ पे ये ना ही नर है ना ही मादा है ठीक है, ना ही मेल है या फीमेल है, ये हमारे पास चला जाएगा न्यूट्रल जेंडर में। तेल अपने पास ऑयल जो है न्यूट्रल जेंडर में, क्राउ यानी यहाँ पे जो है चिड़िया जो है, ये जो कौवा जो है, एंट मतलब चीटी कहोगे भैया ये सब एंट और चीटी को भी आप ले रहे हैं, क्या बात है क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो देखो छोटे जो भी जीव है ना, थोड़ा सा रूल इसका समझ लो ठीक है, जो भी छोटे छोटे प्राणी हैं, छोटे छोटे जीव हैं, कीड़े मकड़े जो भी हैं, उस सब को हम लोग न्यूट्रल जेंडर में ही रखते हैं ठीक है, उस सब को हम लोग न्यूट्रल जेंडर में ही रखते हैं क्लियर। और साथ ही साथ इसमें बात करोगे तो अपना जो भी मतलब बात करोगे मतलब जैसे मटेरियल नाउन वगैरह होता है ना, तो मटेरियल नाउन वगैरह भी इसी में आ जाएगा, या फिर बोलो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो भी इसी में आ जाएगा ठीक है। स्कूल, बुक, पेन, क्लास, वॉच, ऑनेस्टी, आर्मी ठीक है, ये सब चला आएगा कहाँ पे, न्यूट्रल जेंडर में। जितना भी निर्जीव पदार्थ है वो तो आएगा ही, साथ ही साथ सजीव में भी छोटे छोटे जो भी कीड़े मकोड़े हैं, छोटी प्राणियां जो भी हैं, वो सब न्यूट्रल जेंडर में आ जाएगी। तो है ना थोड़ा सा अलग चीज, हिंदी व्याकरण से अगर इसको कंपेयर करोगे तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो प्लीज थोड़ा सा हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग प्लीज थोड़ा सा आप अच्छे से यहाँ पे अभी देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है यहाँ पे। देखिए नोट, यहाँ पे नोट वन को देखिए, यहाँ पे क्या है, निर्जीव पदार्थों, कीड़ों मकड़ों और छोटे छोटे जानवरों को इसी श्रेणी में रखा गया, यानी जितने भी निर्जीव पदार्थ है ठीक है, यानी जैसे लकड़ी हो गया, पहाड़ हो गया, कलम हो गया ठीक है, कुछ भी चीज जो भी निर्जीव है उसको हम लोग रखेंगे कहाँ पे, न्यूट्रल जेंडर में। जितने भी कीड़े मकोड़े हैं और छोटे छोटे जानवर जो भी है उसको भी हम लोग रखेंगे न्यूट्रल जेंडर में ठीक है। उसके बाद देखिए कलेक्टिव नाउन ठीक है, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ठीक है, यानी अपने पास जो भी अपने पास कलेक्टिव नाउन होगा ठीक है, मटेरियल नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, उस सब को हम लोग कहाँ रखेंगे, न्यूट्रल जेंडर की श्रेणी में रखेंगे। उसके बाद देखिए नोट टू अपने पास क्या है, हिंदी और अंग्रेजी में जेंडर यानी लिंग के भेद तथा व्याख्या में अंतर है, यही चीज आपको मेन आप समझाना हम चाह रहे थे ठीक है, यही मेन आपको समझाना चाह रहे थे कि हिंदी व्याकरण से अक्सर लोग इसमें जो है कंफ्यूज हो जाते हैं ठीक है, हिंदी व्याकरण से याद कर लेते हैं और उससे क्या होता है कि बाद में एग्जाम में फंस जाते हैं, एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाती है ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग देखिए अभी यहाँ पे देखिए, हम आपको अच्छे से यहाँ पे बताते हैं। देखो हिंदी और अंग्रेजी में जो है ना जेंडर यानी लिंग के भेद और व्याख्या में अंतर है। हिंदी भाषा में दो ही लिंग होते हैं, हिंदी भाषा में दो ही लिंग होते हैं, सबसे पहला स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी भाषा में निर्जीव पदार्थ या तो पुल्लिंग है या तो स्त्रीलिंग, निर्जीव पदार्थ भी वहां पे क्या होते हैं, या तो पुल्लिंग हो सकते हैं या स्त्रीलिंग हो सकते हैं, ये तो है ही वहां पे, क्योंकि तीसरा कोई प्रकार है ही नहीं। और इंग्लिश में क्या है कि तीसरा प्रकार है, इवन चौथा प्रकार भी है, और निर्जीव पदार्थ को न्यूट्रल जेंडर में रखा गया है ठीक है, और वही अंग्रेजी में उन्हें न्यूट्रल जेंडर में रखा गया है ठीक है। यानी हिंदी भाषा में जितने भी निर्जीव पदार्थ हैं उसको हम लोग पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कोई भी एक हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि उसे हम लोग न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं निर्जीव वस्तु को ठीक है। कलम हिंदी भाषा में स्त्रीलिंग है ठीक है, कलम हिंदी भाषा में क्या है, स्त्रीलिंग है, परंतु पेन अंग्रेजी में क्या है, न्यूट्रल जेंडर में है। तो यही मत कंफ्यूज करना, अगर एग्जाम में पूछेगा पेन जेंडर कौन सा है तो आप लोग टिक मार दोगे कि पेन जो है स्त्रीलिंग है, क्योंकि आप लोग हिंदी व्याकरण का याद रखोगे, नहीं सीधा सीधा है, जब इंग्लिश ग्रामर है तो उसमें याद रखना जितना भी निर्जीव जो वस्तु है उसको हम लोग रखेंगे न्यूट्रल जेंडर में ठीक है, न्यूट्रल जेंडर में क्लियर। अतः दोनों भाषाओं में इस अंतर को बराबर ध्यान में आपको रखना होगा, ऑब्वियसली रखें आप लोग ठीक है, क्लियर। अब चलिए यहां पे जो है मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर बनाने का तरीका यहां पे है, चलिए उसको भी हम लोग जानते हैं, उसको भी जानते हैं। चलिए अब जो है यहाँ पे मेन जो है आपके एग्जाम में सवाल जो इस टाइप का रहती है उसी सब चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे ठीक है,
उसी सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। थोड़ा सा आइए हम लोग एक और चीज जान लेते हैं, एक और चीज हम लोग जान लेते हैं। ये जो है आपको थोड़ा सा जेंडर के बारे में बता देते हैं। मैस्कुलीन जेंडर अपने पास सामने है, मैस्कुलीन जेंडर, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे होता है मेल का बोध, ठीक है। इससे क्या होता है, मेल का बोध। इससे क्या होता है, फेमिनिन जेंडर से होता है फीमेल का, ठीक है। इससे क्या होता है, कॉमन जेंडर से, इससे होता है या तो मेल और फीमेल, यानी मेल या फीमेल में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और आगे यहां पे देखिए, ठीक है, न्यूट्रल जेंडर में क्या होगा, नॉर मेल नाइदर, लेकिन आपको अच्छे से हम बताते हैं। न्यूट्रल जेंडर में देखिए, न्यूट्रल जेंडर में क्लियर बात है, ना ही, ठीक है, ना ही यहां पे मेल होगा, ना ही मेल, ठीक है, ना ही फीमेल। तो एक बात बोलेंगे, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता है, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता है, इतना आसानी से लिख दिए। देखो, मैस्कुलिन होता है, मैस्कुलिन जेंडर जिसमें सिर्फ मेल का बोध होता है, फेमिनिन जिसमें सिर्फ फीमेल का बोध होता है, कॉमन जेंडर, इससे ये पता चलता है कि ऐसे ऐसे शब्द इसमें रहते हैं जो कि क्या रहते हैं, जो कि क्या रहता है, ऐसे संज्ञा, ऐसे नाउन इसमें रहते हैं जो कि मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसको रखते हैं कॉमन जेंडर में। न्यूट्रल जेंडर में जो ना तो मेल होगा ना ही फीमेल होगा, ठीक है, जैसे निर्जीव वस्तुएं जो भी होंगी, छोटी छोटी कीड़े मकड़े जो भी होंगे वो सब, साथ ही साथ कॉमन कलेक्टिव नाउन, उसके बाद अपने बात करें तो हम लोग मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब भी आपके जो है न्यूट्रल जेंडर में ही आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम लोग यहां पे एक एक करके ये अपना जो है मैस्कुलिन और फेमिनिन, इस दोनों के बारे में अच्छे से हम लोग जानते हैं, ठीक है, इस दोनों के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। देखिए, आ जाइए, तैयार हो जाइए अच्छे से यहाँ पे देखने के लिए। मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाना जो है अब हम लोग सीखेंगे। देखिए, कैसे मेल से फीमेल जेंडर कैसे बन जाता है उसको हम लोग अब सीखेंगे। अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके फेमिनिन रूप में पूर्णतः नए शब्दों का प्रयोग किए जाते हैं, मतलब मेल में कुछ और शब्द होगा और वही फीमेल में कुछ और अलग ही शब्द हो जाएगा, मतलब कुछ चीज जोड़ के, जैसे मेल से फीमेल बनता है, ठीक है, जैसे एक्टर में एक्ट्रेस बन गया तो ये कैसे बना, वो सब चीज हम लोग जानेंगे। लेकिन कहीं कहीं पे क्या है कि बॉय का गर्ल हो गया, मतलब बॉय में हम लोग कुछ चीज जोड़े नहीं है, मतलब कंप्लीट अलग ही शब्द बना दिए, मतलब लड़का का उल्टा कुछ और ही बना दिए, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे, वही चीज बोला गया है कि मतलब कंप्लीट डिफरेंट भी रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए, बहुत सारा एग्जाम्पल है, बहुत सारा एग्जाम्पल है, चलिए वो सब हम भी हम लोग अच्छे से देखते हैं। देखिए, जैसे बॉय का गर्ल हो गया, ठीक है, इस सब से एग्जाम में सवाल रहती है, थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, वही ऑब्जेक्टिव उसी को बना के दे देगा, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देखिए। ठीक है, सन का डॉटर हो गया, ठीक है, मैन का वोमेन हो गया, ठीक है, अंकल का अंट, लेड का लेस, यानी लेड मतलब लड़का लड़की, उसके बाद पापा या का मम्मी, किंग का क्वीन, सर का मैडम, मिस्टर का मिसेस, कॉक का हैन, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं, हॉर्स का हो गया घोड़ा, बोर का हो गया सुअर, ठीक है, फॉक्स का हो गया वैक्सन, और डॉग का हो गया विच, और बुल का हो गया काउ, मॉन्क का हो गया नन। उसके बाद देखिए, मठवासी और मठवासिनी, ठीक है, सुल्तान का सुल्ताना, आप जो है ना राजा महाराजाओं के मतलब जब सुनते होंगे जो, तो उन सब में आप लोग ये सब देखते होंगे, ये सब शब्द। हीरो का हो गया हीरोइन, ठीक है, उसके बाद देखो विडोर का हो गया विडो, हस्बैंड का वाइफ, ब्राइडग्रूम का हो गया ब्राइड, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा देखते हैं, नेफ्यू का नीस, और ब्रदर का सिस्टर, फादर का मदर, ठीक है, तो मेल से फीमेल इस प्रकार से बन जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं,
अब देखिए, अब हमारे पास है दूसरा रूल, अपने पास है दूसरा रूल है। इसमें क्या है कि कुछ शब्दों में ई डबल एस जोड़कर मैस्कुलिन से फीमेल फेमिनिन बनाया जाता है, मतलब मेल से फीमेल बना दिया जाता है कुछ में ई ई डबल एस जोड़ के। जैसे गॉड में अगर बात करें तो अपने पास यहाँ पे लास्ट में ई डबल एस लगा दिया, हालांकि डबल डी यहाँ पे बन गया है। लाइन का ई डबल एस लगाए, पोइट का इसमें क्या किया गया, ई डबल एस लगा दिया तो पोइटस बन गया, कवि का कवित्री बन गया, गेंट का यहाँ पे ई डबल एस लगा दिए राक्षसी बन गया, ऑथर का ऑथरेस हो गया, ठीक है, प्रेस्ट का प्रेस्टेस हो गया, पुजारीन हो गया, ठीक है। तो डबल ई मतलब ई डबल एस भी लगा के कुछ कुछ बनते हैं। तो हालांकि इस सब रूल से तो आप याद नहीं रख सकते हैं, नॉर्मली जो है ये आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, ठीक। चलिए, तो जेंडर ऑफ द नाउन हम लोग जान गए हैं, जेंडर ऑफ द प्रोनाउन अब जानते हैं। देखिए, नाउन में हम लोग जेंडर कितने प्रकार के थे, चार प्रकार के, मैस्कुलीन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर, मेनली क्लास 12 के लिए वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और चीज जान लीजिए, जब देख ही रहे हैं तो थोड़ा सा और आगे देख लीजिए, एक से दो तीन चार मिनट का लगेगा, इसको भी हम लोग समझ ही लेंगे, ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे इसको समझाने में। जेंडर ऑफ द प्रोनाउन, तो पहला यहां पे है प्रोनाउन ऑफ मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन यानी मेल जेंडर यानी पुरुष जाति का जिसमें बोध हो वैसे प्रोनाउन, तो ही हिम हिज हिमसेल्फ, इस सबसे क्या हो रहा है, इस सबसे पुरुष जाति का बोध है ना। हम लोग ही किसके लिए यूज करते हैं, कोई भी मेल रहता है तब के लिए, अगर वही फीमेल रहे तो उसके लिए सी, हिम के जहां पे हर, हिज के जहां पे हर्स, हिमसेल्फ के जहां पे हर सेल्फ यूज करते हैं ना, तो ये अपने पास हो गया फेमिनिन जेंडर के लिए, प्रोनाउन ऑफ द फेमिनिन जेंडर, ठीक है, ये हो गया जैसे फीमेल का बोध हो रहा है। प्रोनाउन ऑफ द कॉमन जेंडर, ठीक है, कॉमन जेंडर में यानी मेल और फीमेल दोनों में से कोई भी, आई माइन, आई मी माइन माई सेल्फ वी अस, यहाँ पे आई से क्या पता चल रहा है, ये नहीं पता चल रहा है कि मेल है या फीमेल है, ठीक है, मी माइन माई सेल्फ वी अस आवर आवर्स यू योर्स योर सेल्फ समबडी नो बडी एनी बडी एवरी वन सम वन नो वन एनी वन एवरी वन हु होम इटीसी, ये सब क्या है, ये सब हमारे पास कॉमन जेंडर है, प्रोनाउन ऑफ द कॉमन जेंडर, ठीक है, जो मेल या फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। उसके बाद देखिए प्रोनाउन ऑफ न्यूट्रल जेंडर, ठीक है, न्यूट्रल जेंडर में यहाँ पे ना ही वो मेल होगा ना ही वो फीमेल होगा, ठीक है, तो यहाँ पे इट इट सेल्फ नथिंग, यहाँ पे यानी जो भी अपने पास निर्जीव, ठीक है, जो भी निर्जीव, सजीव और निर्जीव, सजीव नहीं यहाँ पे आएगा, निर्जीव आएगा, ठीक है, निर्जीव आएगा प्लस में अपने पास छोटे छोटे जो जीव जंतु होंगे, ठीक है, छोटे छोटे कीड़े मकड़े होंगे, प्लस में नाउन में कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन प्लस, ठीक है, सॉरी नाउन में तो ये सब आएंगे नहीं और जीव भी नहीं आएगा, ठीक है, निर्जीव में भी नहीं आएगा, ये सब नहीं आएगा, वो सब तो नाउन में आते हैं, इसमें तो बस उसके लिए उस नाउन के जगह पे जो प्रोनाउन हम लोग यूज करते हैं, नाउन के बदले में जो प्रोनाउन यूज करते हैं उसके जगह पे, तो उसको हम लोग लाएंगे यहाँ पे, ठीक है, उसको बस हम लोग यहाँ पे लाएंगे। आगे एक और देखिए, एक और देखिए, प्रोनाउन यूज फॉर ऑल जेंडर, ठीक है, इसमें से कोई भी जेंडर का हो सकता है, दे देम देयर देमसेल्फ दिस दैट इच आइदर नाइदर मेनी बोथ हुज व्हाट ऑल सम नन, ये सब कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा आप लोग जो है ना, मतलब इस सब पे ज्यादा फोकस मत करो, जेंडर ऑफ द प्रोनाउन, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में जेंडर ऑफ द नाउन से ही सवाल रहेगी, आपके एग्जाम में जो सवाल रहेगी मेनली वो आपको इसी चार्ट से रहने वाली है, यही इसी चार्ट से रहने वाली है, ठीक है, इसी चार से आपको यहाँ पे एग्जाम में सवाल रहने वाली है। ठीक है, मैस्कुलिन मैस्कुलिन और उसके बाद फेमिनिन, फेमिनिन जेंडर, उसके बाद अपने पास क्या है कॉमन जेंडर, ठीक है, उसके बाद अपने पास क्या है कॉमन जेंडर, चौथा अपने पास प्रकार क्या है, चौथा अपने पास प्रकार है न्यूट्रल जेंडर, ठीक है, तो ये अपने पास कुल मिला के चार जो है, चार क्या है, ये कुल मिला के अपने पास चार जो है जेंडर है, ये कुल चार जेंडर है जो कि आपको नॉर्मली याद रखना है, ठीक है,
ये चार कुल मिला के जेंडर है। कोई भी आपसे अगर पूछेगा जेंडर कितने होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, तो सिंपल सी बात है, याद रखिएगा जेंडर चार होते हैं। जेंडर कितने होते हैं? चार होते हैं। सबसे पहला मैस्कुलिन जेंडर, जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है, मेल का बोध होता है, ठीक है, मेल का बोध होता है, यानी पुरुष जाति का बोध होता है। यानी जैसे अगर बात करें राम हो गया, ठीक है, उसके बाद बात करोगे जैसे बात करते हैं राम के बाद कोई भी और बहुत सारा चीज ले सकते हैं, ठीक है, जैसे अगर बात करें कोई भी नाम है वो चला जाएगा। उसके बाद मेल में जितना भी सारा चीज आता है, जैसे अगर बात करोगे डॉग बात करोगे, गॉड बात करोगे, किंग बात करोगे, ठीक है, किंग यहाँ पे ले लो, ठीक है, अच्छा अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, किंग ये सब हो गया, प्रिंस यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। फेमिनिन में क्या होता है, इसमें फीमेल आता है, ठीक है, फीमेल, यानी जैसे यहाँ पे सीता क्वीन, ठीक है, उसके बाद जैसे और बात करोगे क्वीन इटीसी, जितने भी फीमेल जिससे भी बोध हो, ठीक है, जिससे भी फीमेल जितना ज्यादा बोध हो। मेल में यहाँ पे जैसे अगर हम लोग देखे थे मेल में, जैसे यहाँ पे फादर हो गया, वही फीमेल में अपने पास मदर हो जाएगा, ठीक है, गर्ल आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे गर्ल हो गया, मदर हो गया, उसमें फादर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉमन जेंडर में, कॉमन जेंडर में जो कि मेल भी हो सकता है जो कि फीमेल भी हो सकता है, क्लियर, जो कि मेल भी हो सकता है जो कि फीमेल भी हो सकता है, तो ऐसे में कौन सा, ऐसे में कौन सा आएगा, कौन कौन सा, तो फ्रेंड आ जाएगा, ठीक है, फ्रेंड हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद और बहुत सारा चीज है, जैसे बात करोगे हम अगर फ्रेंड बोले उसे, और चाहे बोले सर्वेंट, ठीक है, नौकर बोले, इससे ये नहीं पता चलता है, नॉवलिस्ट बोले, ठीक है, तो बहुत सारे शब्द है जो कि आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है, तो ये सब कॉमन जेंडर में चले जाएंगे, जिससे ये नहीं पता चल रहा है कि ये मेल है या फीमेल है, लेकिन कोई एक तो जरूरी होगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए न्यूट्रल जेंडर अपने पास क्या है, न्यूट्रल जेंडर अपने पास क्या है, इसमें क्या होगा, इसमें जैसे कि आ जाएगा क्या क्या चीज, इसमें आ जाएगा जैसे वुड, लकड़ी, उसके बाद लकड़ी तो आ गया, ठीक है, उसके बाद अपने पास आ जाएगा क्या चीज, मान लेते हैं ग्लास, ठीक है, ग्लास भी आ जाएगा, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है, न्यूट्रल जेंडर में आप बात करोगे एंट, चीटी जो हो गया, ठीक है, हैप्पी, ये सब अपने पास आ जाएगा न्यूट्रल जेंडर में, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा न्यूट्रल जेंडर में, क्लियर। ठीक है, सही है, सबको याद हो गया, सबको याद हो गया ना ये चीज, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, चलो यस सर, यस सर, ओके सर, चलो तो क्लियर है। देखो हम लोग अभी यहां पे जेंडर का क्लास हम लोग कंप्लीट किए हैं, अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा, कितना अच्छा से हम आपको समझा पाए, कहीं से थोड़ा सा भी आपको डाउट भी रह गया तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। और बाकी जो है आप इस वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब हाँ श्योर से कर लीजिएगा, क्योंकि आपको तभी अगला वीडियो भी मिल पाएगा, और भी इंग्लिश ग्रामर में जितने भी टॉपिक है जो भी आपको पढ़ने हैं वो सब कुछ आपको इस चैनल पे प्रॉपरली आपको मिलने वाली है, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। और साथ ही साथ अपना जो है, अगर आप जो है अगर बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं क्लास 12 के लिए, और स्पेशली अगर अभी बिहार बोर्ड से हैं आप हैं, तो आप अपने एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड करके उससे आप जो है ना गेस्ट पेपर ले सकते हैं, ठीक है, गेस्ट पेपर अभी हिंदी सब्जेक्ट का आ चुका है, और जल्दी जो है आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का भी आ जाएगा, और इंग्लिश ग्रामर वगैरह भी उसी में रहने वाली है, तो अभी आप जाके हिंदी 100 मार्क्स का ऑर्डर कर सकते हैं, बुक एजुकेशन बाबा ऐप पे उपलब्ध है। और आप जो है अगर बुक के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं कि बुक आपको कैसे मिलेगी अगर आप बिहार बोर्ड के हैं, तो आप इस नंबर पे बात कर लीजिए,
ठीक है, बता दिया जाएगा। और ये जो बुक आपको रहने वाली है, ठीक है, ये बुक जो आपको रहने वाली है ये आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, ये बुक जो आपको रहेगी 100 मार्क्स इंग्लिश के लिए, 100 मार्क्स हिंदी के लिए अभी आया है, इंग्लिश के लिए भी जल्दी आ जाएगा, 100 मार्क्स हिंदी का अभी बुक आ चुका है। ठीक है, इस नंबर पे आप फोन करके बात कर सकते हैं, या फिर ये नंबर बिजी है तो इस पे बात कर लेना। ठीक है, और बाकी जो है बुक का ऑर्डर आप दे सकते हैं। बुक आपको प्रॉपरली घर पे, आपको पूरे इंडिया में कहीं पर भी है आपके घर पे वो बुक डिलीवर करवा दिया जाएगा। और बाकी जो है उस गेस्ट पेपर में क्या रहेगा, कंप्लीट मतलब 100 मार्क्स का आप जैसे ले रहे हो हिंदी सब्जेक्ट का, ये आप श्योर रखो कि उसके लिए और कोई और बुक अलग से और परचेज करने की कोई दरकार नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको यहीं से तैयारी हो जाने वाली है। ठीक है, कंप्लीट आपकी तैयारी यहीं से हो जाने वाली है। इस गेस्ट पेपर में कंप्लीट वो सारा चीज दिया गया है। इवन आप क्वेश्चंस तो आप देखोगे एग्जाम में, वो तो आपके पास गेस्ट पेपर रहेगा ऑब्वियसली आप ले रहे हैं तो, और आप देखना है आप खुद मिला लेना कि आपके एग्जाम में कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये बात हम गारंटी बोलते हैं, बहुत अच्छा आपके लिए वो बुक रहने वाली है। तो आप श्योर से एजुकेशन ऐप से या तो डायरेक्टली ऑर्डर कर लीजिए, या फिर बुक के बारे में और कैसे ऑर्डर करना है अगर और जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप बात कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप या तो डायरेक्टली एजुकेशन ऐप से ऑर्डर कर लीजिए, वो सबसे आसान रहेगी। चलिए, हम लोग यहाँ पे जो बात किए हैं मेनली, जो आज हम लोग बात किए हैं जेंडर के बारे में, ठीक है, इसका आप लोग चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद भी रहे, आप कॉल कर लीजिएगा। चलिए, अब आगे यहाँ पे देखिए, हम लोग जेंडर के बारे में बात कर लिए हैं, इसलिए अपना कुल मिला के जेंडर में बस आपको इतना ही पढ़ना है, टोटल मिला के कंप्लीट हो चुकी है। तो अगले क्लास में जब हम मिलेंगे, अगला एक जो टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, उसको स्टार्ट करेंगे। तैयार रखिए, तैयार रहिएगा सब लोग, और सब्सक्राइब वगैरह करके रखना है आप लोग को। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक लिए बाय बाय।